अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ 18 हैदराबाद के इस खुसूसी रिपोर्ट में आपका खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। बीजेपी से मुअत्तल गोशा महल रुकन असेंबली जो तकरीबन 2.5 माह से पीडी एक्ट के तहत जेल में बंद है को आज चारशंबे को उस वक्त राहत मिली जब तेलंगाना हाई कोर्ट ने शरायत के साथ उनकी रिहाई का हुक्म दिया। मालूम हुआ है कि अदालत ने उनको रैलियां ना निकालने और प्रेस मीट ना करने की हिदायत दी है। इस मामले में उनके वकला ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई। एडवोकेट जनरल जी का आर्गुमेंट सुनने के बाद हमारा आर्गुमेंट हुआ था। हमारे आर्गुमेंट सुनने के बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट ने राजा सिंह जी के ऊपर जो एनपीडी एक्ट लगाई थी उसको खारिज करी है और उनको इमीडिएटली छोड़ने का ऑर्डर दी है और उनको छोड़ने के लिए कुछ कंडीशंस भी इम्पोज करी है। उसमें उनके फैमिली मेम्बर्स के इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स 4 मेम्बर और उनके एडवोकेट या मैं के सिवा कोई भी उनको जेल से अकंपनी नहीं कर सकते और जेल में से निकलने से ही उन्हें कोई रैली नहीं निकाल सकता और कोई इन्फ्लेमेटरी डेरिवेटरी स्पीच कोई सोशल मीडिया में पोस्ट नहीं करना, ऐसा कुछ ऑर्डर दिए। आपको ऑर्डर कॉपी मिल चुकी है? अभी ऑर्डर कॉपी रेडी हो रहा है। ऑर्डर कॉपी मिलते ही मैं उनके साथ 4 फैमिली मेम्बर को ले जाके राजा सिंह जी को लाएंगे। हम तुम्हारे साथ हैं राजा सिंह जी, राजा सिंह जी, राजा सिंह जी, हिंदू धर्म को जय हो। पिछड़ो पिछड़े रूम जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की जय। बाप तुम्हारा छूट गया, भारत माता, भारत माता, भारत माता। नाज़रीन, न्यूज 18 हैदराबाद चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ ही इजाजत दें। मैं इब्राहिम, अल्लाह हाफिज। Yeah.